Hi viewers, welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss about Bethe equation. Bethe theory का नाम स्टीफन ब्रूनर, पॉल हगेमेट एंड एडवर्ड टेलर के नाम पे पड़ा था. इन्हीं के नाम पे इसका नाम Bethe equation या Bethe theory रखा गया. Second, it is extension of Langmuir adsorption theory. ये Langmuir adsorption theory का extension है. Means Langmuir adsorption थ्योरी के अंदर सिर्फ मोनोलेयर एडजॉर्प्शन की के बारे में बात हुई, जबकि इसके अंदर मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन के बारे में बताया गया. इट एक्सप्लेन द फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन ए सॉलिड सरफेस. सॉलिड सरफेस के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो एडजॉर्प्शन होगा वो कैसा होगा, फिजिकल न कि केमिकल. मीन्स केमिकली कोई रिएक्शन नहीं होगी, ओनली उसके ऊपर सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा, उसे क्या कहेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन. मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का. नेक्स्ट देखिए, एडजॉर्प्शन क्या होता है कि इट इज सरफेस फिनोमिना है. ये एक सरफेस फिनोमिना है जिसके अंदर मान लीजिए कि ये अपना सॉलिड है. ओके, सॉलिड को क्या कहा अपन ने, एडजॉर्बेंट. और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके ऊपर एडजॉर्प्शन शो कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, एडजॉर्बेट. तो सिर्फ सरफेस के ऊपर ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजॉर्प्शन शो कर रहे हैं, इसलिए जो ये जो फिनोमिना है वो कैसा है, सरफेस फिनोमिना. जबकि एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन वो एक बल्क फिनोमिना होता है. बल्क का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई सॉलिड है, इसके ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स जब इसके अंदर इसके सरफेस के ऊपर आएंगे तो वो अंदर तक इसके अंदर अपना एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन. और ये क्या हो गया अपना, एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट यही कि केमिकली रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ फिजिकल फिनोमिना है ये Bethe equation के अंदर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सॉलिड सरफेस पॉसेसेस यूनिफॉर्म लोकलाइज्ड साइट. मीन्स जो इसके अंदर जो सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड होंगे वो जो साइट्स होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है. मीन्स ऐसे कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा एडजॉर्प्शन हो जाएगा और कहीं पे कम एडजॉर्प्शन हो जाएगा. मीन्स जो मोनोलेयर बनेगी वो इक्वली यूनिफॉर्मली उसके ऊपर एडजॉर्प्शन होंगे इस तरीके से. तो इसलिए ये साइट कैसी हो गई, यूनिफॉर्म. लोकलाइज साइट का मतलब होता है कि ये जो सरफेस के ऊपर जो साइट्स होती है जिनके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्प्शन होते हैं वो मोबाइल नहीं होती, एक जगह फिक्स होती हैं, लोकलाइज्ड होती हैं. एंड एडजॉर्प्शन एट वन साइट डज नॉट अफेक्ट एडजॉर्प्शन एट नेबरिंग साइट. मीन्स एक साइट पे जब गैस का एडजॉर्प्शन हो जाता है तो वो दूसरे जो साइट है उसके ऊपर यदि गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उस साइट के एडजॉर्प्शन को ये अफेक्ट नहीं करता है. मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, सारे के सारे एडजॉर्प्ड हैं. मान लीजिए ये मॉलिक्यूल पहले एडजॉर्प्शन हो गया उसका बाद में हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये इसको एडजॉर्प्शन करने में इफेक्ट डालेगा. मीन्स नेबरिंग साइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट, नो इंट्रैक्शन इन बिटवीन द एडजॉर्प्ड गैस मॉलिक्यूल्स. मीन्स इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है. इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक जगह बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो आपस में कोई बात ना करें, एक दूसरे को देखे नहीं, जो सामने जो चल रहा है वो वैसे कब उसको देखे सिर्फ. तो ये जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, नो इंट्रैक्शन इन बिटवीन एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल. ठीक है, मतलब पास आसपास के जो एडजॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा. इंट्रैक्शन किसके बीच में होगा, सॉलिड सरफेस और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में. हियर डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द सक्सेसिव लेयर्स. सक्सेसिव लेयर्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये अपना सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर ये गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब्ड हो रहे हैं. तो ये अपनी फर्स्ट लेयर होगी. मीन्स जो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थ्योरी जिसको डिफाइन करती है वो क्या होगी, अपनी मोनोलेयर. इसके ऊपर ये दूसरी लेयर है, ठीक है, ये सेकेंड लेयर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स की है जो एडजॉर्ब्ड हुए हैं. तो ये क्या हो गई, सक्सेसिव लेयर्स. इसके ऊपर और लेयर होंगी, ठीक है, तो ये सक्सेसिव लेयर है. इनके बीच में कैसा इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रेट ऑफ ई वेपोरेशन
मीन्स डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन फ्रॉम वन लेयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या कंडेंसेशन। मीन्स मान लीजिए कि ये मैंने गैस सॉलिड सरफेस ली है, इसके ऊपर ये जो वन वन लिखा है वो फर्स्ट लेयर है, जो टू टू लिखा है वो सेकेंड लेयर, और थ्री थ्री लिखा है वो थर्ड लेयर है, जो गैस के मॉलिक्यूल जहाँ पे एडजॉर्प्ट हो रहे हैं वो। तो जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, डिजॉर्प्ट होगा, मतलब ये डिजॉर्प्शन होगा या ये इसका इवेपोरेशन होगा। जैसे ही इसका इवेपोरेशन होगा तो जो सेकेंड लेयर का जो मॉलिक्यूल है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, तो जो सेकेंड लेयर का जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ आ जाएगा, इस फर्स्ट लेयर की जगह। जैसे देखिए इसमें, इसमें मैंने शो कर रखा है, मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से डिजॉर्प्शन हुआ इसका या इवेपोरेशन हुआ, तो इसकी जगह कौन सा आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल सेकेंड लेयर का, ठीक है, और सारे के फर्स्ट लेयर वाले हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहता है। किसके बीच में बना रहता है, यहाँ से इसका इवेपोरेशन होगा और सेकेंड लेयर के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। ये अपनी बैड इक्वेशन है, पी अपॉन वी टोटल इंटू पी नॉट माइनस पी इक्वल्स टू वन अपॉन वी मोनो सी प्लस सी माइनस वन पी मोनो सी इंटू पी अपॉन पी नोट, ठीक है, ये बैट इक्वेशन है। इस बैट इक्वेशन के अंदर देखिए V टोटल क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्प्ट, मीन्स जो टोटल जितनी भी लेयर बनी है उनके ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल जो एडजॉर्प्ट हुए हैं उनका टोटल वॉल्यूम क्या कहलाएगा, V टोटल। V मोनो देखिए, जो गैस जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर, मान लीजिए ये अपनी सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर ये फर्स्ट लेयर बनी है या मोनो लेयर गैस के जो एब्जॉर्ब्ड हुए हैं, तो जितने गैस के मॉलिक्यूल मोनो लेयर बनाते हैं उन सारे गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या कहलाएगा, वी मोनो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड व्हेन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज कवर्ड बाई मोनो लेयर, मीन्स उन गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जिस जो सिर्फ मोनो लेयर बना रहे हैं। नेक्स्ट पी क्या है, वेपर प्रेशर है, पी पी नोट सारे के सारे क्या है, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट सी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट जिस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ई वन माइनस ई एल अपॉन आर टी। ई वन क्या, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, जब गैस के मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन हो रहा है उस टाइम पे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया। ई एल क्या है, हीट ऑफ कंडेंसेशन या हीट ऑफ इसको लिक्विफिकेशन भी लिख सकते हैं, लिक्विफिकेशन, ठीक है, तो हीट ऑफ कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। तो ये अपनी क्या हो गई, बैट इक्वेशन हो गई। प्लॉट किसके बीच में अपने वो प्लॉट करना है, वन अपॉन वी टोटल पी अपॉन पी नोट माइनस पी के वर्सेस पी अपॉन पी नोट के बीच में अपने को प्लॉट खींचना है। तो मान लीजिए इसके और इसके बीच में खींचना है, तो y ये इसको क्या मान लिया, y, और ये क्या हो गया m x, x है अपना इसके बीच में, y और x के बीच में प्लॉट लेना है अपने को, और ये क्या हो गया c। तो एक इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मीन्स इस इक्वेशन के अंदर m तो क्या है, स्लोप है, c क्या है, इंटरसेप्ट है, मतलब जो c है अपना ये वाला c है, तो ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या है अपना m, तो m है तो ये क्या हो गया स्लोप, ठीक है, और ये क्या हो गया इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसका ग्राफ या प्लॉट कैसे लेंगे, इस तरीके से, जहाँ पे इस वाली एक्सिस पे क्या लिख देंगे, वन अपॉन वी टोटल पी अपॉन पी पी नोट माइनस पी, और इस एक्सिस पे क्या लिखेंगे, पी अपॉन पी नोट। तो अपना इंटरसेप्ट क्या आएगा, वन अपॉन वी मोनो सी, और स्लोप क्या आ गया, सी माइनस वन अपॉन वी मोनो सी। तो इस इक्वेशन के थ्रू अपन सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट को इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट को कैसे, वी मोनो के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ये अपना सॉलिड सरफेस लिया था इसी को क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। और इसका सॉलिड सरफेस का क्या निकालना है, सरफेस एरिया, तो किसके थ्रू, जब मोनो लेयर बनेगी, और मोनो लेयर कब बनेगी, जब
गैस के मॉलिक्यूल सिर्फ मोनोलेयर का फॉर्मेशन या एडजॉर्ब्ड होंगे मोनोलेयर के रूप में, तब क्या बनेगी मोनोलेयर, और उसके उन गैस के वॉल्यूम क्या कहलाएगा, वी मोनो। ठीक है, तो ये क्या हो गया एडजॉर्बेंट। तो जो बैट इक्वेशन है वो किसके काम आती है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट का कैलकुलेट करने में काम आती है। ये मैंने दो डायग्राम दिखा रखे हैं जिसके अंदर मान लीजिए अपना सॉलिड है और ये क्या है इसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे एडजॉर्बेट, और ये क्या हो गया एडजॉर्बेंट। तो बैट इक्वेशन में क्या होता है कि इस तरीके से एक तो मोनोलेयर बन सकती है और दूसरा कि एक तरफ मल्टीलेयर का फॉर्मेशन हो जाए और चारों तरफ मल्टीलेयर का फॉर्मेशन ना हो, तो इस तरीके से भी एडजॉर्प्शन हो सकता है। और सेकंड, चारों तरफ मल्टीलेयर का फॉर्मेशन हो जाए और इस तरीके से भी क्या हो सकता है एडजॉर्प्शन हो सकता है बैट के अंदर। ओके, बाय गाइज़।